अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अजल्टिव सेंटेंसेस में हमारे पास जो है फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बाय एंड लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मेशन है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जब हमने पैसिव वॉइस बनाना है असर्टिव सेंटेंसेस में। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास द बॉयज़ विल हैव टेकन टेस्ट। तो इसमें हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि पैसिव वॉइस बनाने में हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, और वर्ब की हमने जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है तो हम उसको एज़ इट इज़ यूज़ कर लेंगे। और फॉर्मेशन हमें पता चल गई है इसकी कि हमने सबसे पहले जो अब सब्जेक्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग जो है विल या शैल लगाना है, देन हैव बीन लगाना है। ठीक है, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है एंड देन बाय लगाना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो अब द बॉयज़ विल हैव टेकन टेस्ट, इसमें टेस्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना देंगे टेस्ट, और उसके बाद टेस्ट के बाद हमने जो है हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लगा दिया, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेकन, देन बाय, और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट अब आ जाएगा द बॉयज़। ठीक है, द बॉयज़ जो था वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, अब पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, टेस्ट विल हैव बीन टेकन बाय द बॉयज़। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है हमारे पास शी विल हैव प्लक फ्लावर्स। तो इसमें फ्लावर्स ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना देंगे फ्लावर्स विल हैव बीन प्लक बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन जस्ट लाइक असर्टिव सेंटेंसेस ही है, बस इसमें फ़र्क ये है कि हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस में विल हैव बीन था, नेगेटिव में विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन है। बाकी फॉर्मेशन जस्ट लाइक असर्टिव सेंटेंसेस है। तो इसकी फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट है, देन विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है द बॉयज़ विल नॉट हैव टेकन टेस्ट। तो इसका जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस तो पैसिव वॉइस में टेस्ट विल नॉट हैव बीन टेकन बाय द बॉयज। सेकेंड एग्जाम्पल है शी विल नॉट हैव प्लक्ड फ्लावर्स। फ्लावर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे फ्लावर्स विल नॉट हैव बीन प्लक्ड बाय हर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल या शैल जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। विल बॉयज हैव टेकन टेस्ट, तो इसमें विल सेंटेंस के स्टार्ट में ही रहेगा एज इट इज़ जैसे एक्टिव वॉइस में था। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो टेस्ट जो था वो ऑब्जेक्ट था, अब उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया है विल टेस्ट हैव बीन टेकन बाय बॉयज। नेक्स्ट है विल शी हैव प्लक्ड फ्लावर्स, तो इसका पैसिव वॉइस है विल फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड बाय हर। नेक्स्ट हमारे पास डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेज है। डबल इंटरोगेटिव में हम जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा देन विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। व्हेन विल द बॉयज़ हैव टेकन टेस्ट, अब इसमें व्हेन आ गया यानी कि ये डबल इंटरोगेटिव है, तो व्हेन जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में ही रहेगा, देन हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगा देना है, देन हमारे पास अब जो सब्जेक्ट है वो टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, अब इसको सब्जेक्ट बना दिया, देन उसके अकॉर्डिंग हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हैव बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेकन लगा दिए, देन बाय एंड लास्ट में हमारे पास जो है वॉइस जो है वो अब ऑब्जेक्ट बन गया है, एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट था। ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर टू है वाई विल शी हैव प्लक्ड फ्लावर्स, तो वाई हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आ गया, देन विल हेल्पिंग वर्ब्स और फ्लावर्स ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना दिया, देन हैव बीन प्लक्ड बाय हर। वाई विल फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड बाय हर। नेक्स्ट हमारे पास हु वाले सेंटेंसेज हैं। हु को हम रिप्लेस कर देते हैं विद बाय होम। ठीक है, जब हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो हु को चेंज कर देंगे बाय होम से, तो सबसे सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा बाय होम, देन हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हु विल हैव टेकन टेस्ट, तो इसमें हु को चेंज कर दिया बाय होम से, देन हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगा दिया है, देन टेस्ट
हैव बीन टेकन, बाय हुम विल टेस्ट हैव बीन टेकन। नेक्स्ट एग्जांपल है हु विल हैव प्लक्ड फ्लावर्स, तो इसका पैसिव वॉइस भी ऐसे ही बनाएंगे, हु को चेंज करके बाय हुम लगा देंगे, देन हेल्पिंग वर्ब विल लगा दिया, देन हमारे पास फ्लावर्स ऑब्जेक्ट था उसको पुट कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया, और फिर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हमने हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगा दिया, देन लास्ट में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लक्ड लगा दिया, बाय हुम विल फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड। नेक्स्ट आपके पास ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इन जो एग्जांपल्स हैं ये जो सेंटेंसेस हैं इनके आपने पैसिव वॉइस बनाने हैं और मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस आपने लाजमी बनाने हैं और इसका फीडबैक मुझे सेंड करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।